टुडे गोइंग ऑन अ न्यू एडवेंचर। मौसम आज अच्छा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अभी भी है, हालांकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल रोड, ये हाईवे बनाया है, सीधा जाना है अभी 10-11 किलोमीटर जो बता रहा है, उसके बाद कहीं पे मुड़ना है। बारिश की संभावनाएं तो लग रही है, मैं तैयारी तो नहीं करके आया बारिश के लिए, पर चांसेस हैं बारिश आ जाने के थोड़े। ब्यूटीफुल हाईवे, अभी रामगढ़ के आसपास पहुँचे हैं, यहीं से कहीं से मुड़ना तो था मुझे हाईवे से ही। लेट्स सी, पहाड़ दिख रहे हैं ना, उनमें कहीं मुड़ गए हैं। फार्म हाउस वगैरह भी हैं इधर, रविंदर फार्म्स। बाग है इस साइड भी, बाग, बहुत सारे फार्म हाउसेज और ऑर्चर्ड्स बहुत सारे बना रखे हैं। देखो कुछ इंटरेस्टिंग रास्ता बनता है कि नहीं। खन्ना फार्म हाउस, बहुत सारे फार्म हाउस है इस रोड पे। कुछ कुछ सोलर प्लेट्स लगा के एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी सी यहाँ पे लोग रह रहे हैं। मोटा सा एक गांव, अब लगता है रास्ता थोड़ा सा इस नदी के साथ साथ चलेगा काफ़ी दूर तक मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा सा गांव है, कैसे ऊपर ऊपर से इस पे पहाड़ी पे से घर बने हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा चढ़ाई लगता है शुरू होगी। यो रास्ता कौन से गांव जाओगा, हैं? कितना दूर है? 2 किलोमीटर। अच्छा ऐसा ही रास्ता है, चलो घुमाते हैं हम ऐसे ही। 2 किलोमीटर पे कोई गांव है, ये 3 किलोमीटर दिखा रहा है इस रास्ते से। कच्चा बच्चा, अभी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता शुरू हो गया है पूरा, तो जंगल है नीचे से। द ब्यूटीफुल ऑफ रोडिंग टायर्स लगता है लगवाने पड़ेंगे बाइक में, बिल्कुल घिस घिस गए हैं टायर्स। ये एक कुआं है, क्या बात है, तितर पटेर के छोटे छोटे बच्चे वो देखो छोटा सा बच्चा, वो इतने सारे छोटे छोटे बच्चे मस्त है। होपफुली वी डोंट एनकाउंटर एनी वाइल्ड एनिमल्स, दिस प्लेस इज अगेन फुल ऑफ लेपर्ड्स। पर पूरा जंगल में से रास्ता है काफी लंबा। रिवर क्रॉसिंग है, अगर रिवर होती तो यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग होती। पूरा जंगल है, हालांकि थोड़ा वृक्षारोपण किया हुआ है, ये पेड़ जो है ये नेचुरल तो नहीं है। सब हम थोड़ा बहुत क्लाइंब है लगता है शुरू। Across the jungle, wow,
कितना ब्यूटीफुल है। थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, फट भी रही है क्योंकि एकदम अकेले अकेले इस जगह में, और एक दूर एक आइसोलेटेड गांव है। गंगोर जंगल है, घग्गर नदी में जाके मिल जाती हैं। सीजनल है, बारिश आएगी तो ये सब में पानी रहेगा, ऐसे तो नहीं मिलता पानी। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे फार्म्स हैं और एक वाटर बॉडी भी है पानी की, देखते हैं। वी आर क्लोज टू द रिवर बेड, रिवर बेड को क्रॉस कर रहे हैं। लंगूर, कितना बड़ा लंगूर है भाई, बाप रे। एकदम बीच जंगल है, हाँ ये गांव से आ गया, पहुंच गया लगता है गांव में। हाँ जानवर तो नहीं है, जंगली जानवर तो कोई नहीं है, जंगली जानवर तो कोई नहीं है, नहीं है ना। अच्छा आगे कहीं पानी का वो तालाब सा है क्या आगे कहीं? ये पार ले पाछे है जी, वहां तक भाई मोटरसाइकिल चला जाएगा? नहीं ये यहां मोटरसाइकिल ऊपर मकान आएगा ना, हाँ खड़ा करके फिर पार जा सकते, पार जा सकते है ना। ठीक है सर, डैम आ गई एक, डैम है ना, कितनी दूर है वो? आ गया था किलोमीटर दूर, तो वहां तक नहीं मोटरसाइकिल नहीं जाएगी? अच्छा पैदल जाएंगे। कितना वहां पानी है? अच्छा खासा पक्षी भी है, टेंपर है। हाँ आगे इस बेले से नदी में उतरेंगे जी आप। अच्छा नदी में उतर गए ना, फिर ऊपर बेले में चढ़ेंगे। अच्छा ऊपर फिर मोटरसाइकिल ही चढ़ाएंगे, नीचे खड़ी कर दूं? नीचे नदी में खड़ी करके तो इसी साइड लग लेना जी। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है अपना सर? मेरा नाम अमित है। बिल्कुल सर बिल्कुल। उधर पानी है, कह तो रहे हैं कि जंगली जानवर का ऐसा कुछ खतरा नहीं है। चलो फिर डैम तक जाके आते हैं, इस बहाने गांव भी देख लेंगे। एकदम बीच में बसा हुआ गांव, टॉप पे पहाड़ी पे, क्या व्यू है। कोई बंदा ही नहीं है बताने वाला। रास्ता डैम को इधर से सीधा पंचकुला से ऐसे घूमने आया था डैम को देखने। आंगनवाड़ी के लोकल लोगों से मिलना, अरे वाह, बीच जंगल के अंदर देखो ऑसम है। क्या बात है, नेक्स्ट लेवल। गिर गए तो एक और नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इधर से शायद डैम के ज़्यादा पास पहुंच जाऊँगा। कोई ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है मेरी, लेकिन आवारा गर्दी में नंबर वन। गोल गोल पत्थरों पे थोड़ा सा बाइक का दिक्कत रहता था,
अभी ये रास्ता वहीं डैम के पास का निकल जाएगा। अभी एक ही पानी वाली जहाँ जगह है डैम वगैरह, वहाँ पर जंगली जानवरों के होने के चांस हो सकते हैं। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, और कितना सुंदर मौसम है। डैम को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। रास्ता दिख तो रहा नहीं कहीं वापस जाने का। रास्ता आगे से है कहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। ओह शिट, आगे से रास्ता हो। आई थिंक यही रास्ता है, कहीं बाइक खड़ी कर दी जाए। सो अब ये रास्ता ऊपर जा रहा है डैम तक, तो डैम तक जा रहे हैं। और क्या ऑफ रोडिंग थी आज, तो आज तो पहले से भी नेक्स्ट लेवल है। और बीच जंगल में इधर एक गांव है उस तक आया हूँ, और ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। और वहाँ कहीं से रिवर बेड पे ऐसे ही पत्थरों पे चलाता हुआ मैं बाइक लेके आया हूँ। और ये देखिए बाइक खड़ी है बीच में, टायर भी घिसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग करने को मन है। सो अब इस रूट पे हम आगे अब जाएंगे डैम तक, लेट्स सी। सो बहुत अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भाई साहब सांप सूप ना काट ले, बाकी तो ठीक है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे। हालांकि ग्रुप में आने में सेफ्टी रहती है, थोड़ा बंदा सेफ फील करता है, थोड़ी सी हालत ख़राब रहती है। वो सामने डैम है, वो जो सामने है वो डैम है। ये पाइप जो इतनी मोटी बिछा रखी है, ऊपर से पानी आता है इसके लिए। सो आज तो मेरा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सिस्टम हो गया है पूरा का पूरा। ऊपर जाने का कौन सा रास्ता, यही लग रहा है, इसी से चलते। जानवर होते हैं जंगली जानवर, पानी के सोर्स के आसपास ही ज़्यादा होते हैं। अब वो क्या है, गायें गड़बड़ो नहीं हो तो ये क्यों वही मिल जाए। इसके पीछे है डैम, स्ट्रेट क्लाइंब है। बर्ड्स की आवाज आ रही है, पीछे मोड़ने की रोड जाती है इसके उस साइड। बहुत सारे किंगफिशर बर्ड्स हैं। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठेंगे, रेस्ट करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, व्यू लेते। सो दिस इज द ब्यूटीफुल लेक, छोटी सी डैम पे बनाई हुई है। और गर्मियां होंगी, जैसे जैसे बारिश आएगी तो ये शायद पूरा वहां तक भर जाएगा। ये व्यू है चारों तरफ का, जबरदस्त वाला। वो दूर गांव है, उस गांव पे पहले मैं ऊपर गया, वहाँ पर फिर बाइक वहाँ पहले ऊपर चढ़ाई, फिर नीचे उतारी उस गांव से, और फिर मैंने बाइक वहाँ कहीं बीच में खड़ी करी। बीच में एक नया नदी सी है, और फिर मैं यहाँ आया हूँ। जो व्यू है वो आसम, और बीच बर्ड्स, मोर, और ये दोनों तीनों टाइप के यहाँ पे पक्षी हैं। It's awesome.
दूर मिट्टी के पहाड़ है। ऐसा लगता है जैसे ये नदी ने ही बनाई हुई पहाड़ियाँ हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बादल गरजने की भी आवाज़ आ रही है। देख सकते हैं चारों तरफ काला काला हो चुका है बादलों से। एक राउंड मार के आने का मेरा मन है, सो एक राउंड तो मैं लगा के आने का। दो मिनट में घुमाते हैं क्योंकि बाइक फंस जाएगी, पानी आने से कीचड़ हो जाएगा और कीचड़ में बाइक फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर। सो फटाफट से एक नीचे का स्ट्रॉल इसका ले लेते हैं रिवर का चलते हैं। तो ये लीक छोटी सी कह सकते हैं, स्प्रेड आउट है। साइड कुछ है तो नहीं, अच्छा रिस्क नहीं लेते, फंसने के चांसेस है। वापस चलते हैं घर। हो रही मेरी बाइक सुंदर सी बीच जंगल में, बारिश का माहौल। रास्ता आगे से पता नहीं है कि नहीं, पीछे से भी आया था उधर रास्ता से, आगे से है कि नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। जब पानी आता होगा तो पूरा भर जाती होगी, है ना? कितना कितने घर हैं इधर, कितने घर हैं? 10 घर। अच्छा हाँ, अच्छा पशु ढूंढ रहे हो? और केड़े महकमे से आए किसी से? असि घूमन आए, एवं घूमने। तो ये बड़ा सा गांव है, दस घर है। स्टीप स्लोप है। मोर तो बोलते हैं ना, और क्या होंगे, नील गाय होंगे, बारासिंगा है, चीते भी हैं, छोटे भी हैं। चीते हैं? है? चीते हैं, एक दो ही होगा ना, कहीं है छोटे। देखा कभी?
ਰੇਡ ਦੇਖਦਾ ਨੇ ਮੁਆਸੇ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇਖੇ ਦੇ ਮਾਨੇ ਵੀ ਹਮ ਵੀ ਕੰਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਦੇਖਦਾ ਕਮਾ ਮੁਆਸੇ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਬ ਦੇਖੇ ਤੇ